नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, वैसे वैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए उसके पहले हर जगह उद्घाटन और भूमि पूजन में दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक उद्घाटन कल हुआ, लेकिन उस उद्घाटन को लेकर कई सवाल भी उठे और आज की हम इस खबर में यही आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल नाला सुपारा अंतर्गत प्रभाग समिति ई में खुले रंगमंच का कल उद्घाटन स्थानीय विधायक और बहुजन विकास आघाड़ी नेता के हाथों किया गया। इस खुले रंगमंच के उद्घाटन के दौरान महानगर पालिका का एक कार्यक्रम था। महानगर पालिका ने और भी पार्टी विपक्षी लोगों को बुलाया था, लेकिन विपक्षियों का ऐसा आरोप है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल होना चाहिए, उन्होंने महानगर पालिका ने प्रोटोकॉल इसमें नहीं इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम महानगर पालिका का नहीं होकर एक पार्टी विशेष सत्ताधारी पार्टी का दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि यह खुला रंगमंच जिसको बनाए जाने के लिए 2014 में बसवराज महानगर पालिका अंतर्गत प्रस्ताव पास हुआ था और उसके बाद यह आमदार फंड से बनने वाला था, और 10 समय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उनके जिलाध्यक्ष या और भी पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले के का खुलासा करते हुए खुले रंगमंच में हुए एक माने में उनके आरोप अनुसार हुए भ्रष्टाचार का उन्होंने खुलासा किया। तो देखिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के पदाधिकारियों का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या विषय आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार विराट जिला की तरफ मात्रे हमारे जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हमने 25 जुलाई को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था महापालिका प्रशासन के इमारत के सामने। उसके बाद जो है हमने हमारे जो 38 मुद्दे थे महापालिका ने हमें अभी उत्तर मिला है एक महीने बाद, उसमें कुछ मुद्दे हैं। आज मेन मुख्य जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कल नागापारा वेस्ट प्रभाग समिति ई छेड़ा मार्ग पे खुला रंगमंच नाट्य गृह का उद्घाटन किया गया। तो ये मेन हमारा आज मुद्दा ये है जो हमने 38 जो मुद्दे थे जो आंदोलन में थे उसमें पहला हमारा मुद्दा इसमें यही था, इसका पाठ पूरा हमारा 2015 से हमारा चल रहा था कंटिन्यू। मामला ये था कि इसका उद्घाटन किया गया, ये आमदार फंड से ये नाट्यगृह बनाया जा रहा है। 2015 में इसका कार्याध्यक्ष निकाला गया है। कार्याध्यक्ष नंबर तक आपको बता दूं, कार्याध्यक्ष नंबर 2015 दिनांक 15/5/2015 को कार्याध्यक्ष निकाला गया था। पहला जो स्लैब बनाना था आरसीसी बांध काम करना था, एक वीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था इंटरप्राइजेस को, ऐसे चार काम दिए गए थे, अलग अलग काम दिए गए थे जिसमें से सुशोभीकरण काम था, स्लैब का काम था, फिर उसके बाद पतरिया काम था। कोई भी विकास काम, कोई भी इमारत, कोई भी गार्डन या कुछ भी इस तरह काम होता है उसका एक समय सीमा होता है। तो वसईविरा महानगर पालिका क्षेत्र में यहाँ पर जो विकास काम होते हैं ये कभी कोई भी जो है समय सीमा में नहीं होते। 10 साल हो गया, 2014 में प्रस्ताव लाया गया, 2015 में कार्याध्यक्ष निकाला गया। कार्याध्यक्ष होने के बाद इसका पहला जो स्लैब का काम था उसका 13,54,976 रुपया ये एक वीरा इंटरप्राइजेस को दिया गया था आरसीसी बांध काम का, और उसके बाद जो है फिर अलग अलग काम का इसे चार कॉन्ट्रेक्टर को काम दिया गया। वो काम समय सीमा में नहीं हुआ। समय कोई भी एक समय सीमा होती है 180 दिन का, अपना 90 दिन का ऐसा एक समय सीमा होती है, फिर उसके बाद मुद्दा थोड़ा बढ़ाया जाता है, लेकिन 10 साल तक हद ये हो जाती है कि 10 साल तक मतलब आज 2024 में आज वो चीज वो रंगमंच का वो हो रहा है, इसके ऊपर लगातार हम पाठ पुरावा कर रहे थे, हमने पत्र व्यवहार किया था। और उसके बाद जो है देखिए मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया हुआ है, ये मुख्यमंत्री सचिवालय नामा पत्र 2022 का ही है, और इस मामले में हम नगर विकास सचिव को भी मिलकर आए थे मंत्रालय में, और उसके बाद अपना इस पर हमारा लगातार वो चल रहा था। इस मामले में जिस अधिकारियों पर ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए उनको कार्रवाई ना कर लिपापोती की गई,
उसमें उद्घाटन करके श्रेय लिया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि इसमें जो उद्घाटन किया गया, उद्घाटन में किसी भी सरकारी काम का जो कार्यालय कोई भी उसका जो उद्घाटन होता है तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल ये होता है उसमें स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा जो विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, पार्टियों को बुलाया जाता है, उसके अलावा आपका पत्रकारों को बुलाया जाता है, बाकायदा उनका निमंत्रण छापा जाता है। लेकिन यहाँ कोई निमंत्रण नहीं था, जवानी बोला गया एक अपना, खाली बोला गया कि भाई आपको आना है, ऐसा करके बुलाया गया। उसके बाद जिस तरीके का मान सम्मान होना चाहिए उस तरीके का कोई मान सम्मान नहीं था। तो ये एक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वो चल रहा है, मनमानी कारोबार चल रहा है। और वहां पर एक सत्ता पक्ष के ही लोग उस कार्यक्रम में ज्यादा वो थे। यहाँ पर सबसे बड़ा ये चीज था कि जिस मामले पर आज 10 साल से अगर एक विकास काम होता है और उसके ऊपर जिसपे कार्रवाई होना चाहिए, जिस पर कनिष्ठ अभियंता को, आज इस मामले को लेकर जब हमें जो उत्तर दिया गया है, जो हमने ये मामला उठाया था आंदोलन में, उसमें उत्तर दिया गया कि खुला रंगमंच बन गया ये बताया गया। लेकिन ये चीज नहीं बताया गया उसमें किसी भी एक कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, किसी को भी अपना ठेकेदार, किसी को भी एक सिंगल नोटिस अभी निकाला गया, ना नोटिस निकाला गया, ना उनका पैसा काटा गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये मनमाना कारोबार चल रहा है जिसके ऊपर हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है इसका जाहिर निषेध करती है। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम आपको खुलासा करेंगे। खुलासा यह है कि एक दो नाट्यगृह था वसई विरार में जो बन रहे थे, जिसमें से एक रिपेयरिंग था, एक नया बन रहा था। जो नया बन रहा था वो छेड़ा मार्ग का था, दूसरा जो रिपेयरिंग था वो मझेटिया का था। मझेटिया काम अभी भी नहीं हुआ है, वहां का अभी भी कुछ वो नहीं हुआ। तो वहां पर सोचिए रिपेयरिंग को 8-8 साल लग रहे, तो ये कौन सा विकास काम है और ये किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इस तरीके का ये काम किया जा रहा है जिसमें अधिकारी वगैरह जो है ये सब पूरे हुए हुए हैं, इसमें ठेकेदारों को संरक्षण दिया जाता है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई नहीं होती है। और जिन जनप्रतिनिधियों को उन पर आवाज उठानी चाहिए, जिन पर कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई ना कर वो उल्टा उनके ऊपर और वो अपना क्रेडिट लेने के उसमें लगे हुए रहते हैं। आपने भी सत्ता पक्ष का जिक्र किया, लेकिन पिछले 4 साल से देखा जाए तो वसई विरार में किसी की सत्ता है नहीं, क्योंकि प्रशासकीय राज है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष कौन है, किसके ऊपर आपका आरोप? देखिए सत्ता पक्ष का मतलब ये महानगर पालिका में सत्ता में नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे सत्ता रूलिंग जो पार्टी है, जो मेन पावर है, जो आमदार है, हमारा कहना वो है कि आज उन्होंने ही उद्घाटन किया है और इसके ऊपर उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, उनको इस पर अपना सवाल खड़े किए जाने चाहिए थे। लेकिन वो सवाल खड़े ना करके आज 10 साल तक अगर बन रहा है तो ये लोगों तक जा रहा है, लोगों तक ये मामला जा रहा है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आज जो आज यहाँ के नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको वो चीज नहीं मिल रही है, और जिसके ऊपर आज नाट्यगृह नहीं था, जिसके ऊपर लगातार हम आवाज उठाए थे, वो आज 10 साल बाद बन रहा है, जिसमें कोई जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर जिसके ऊपर पूछा जाना चाहिए, पूछ के लेकर आज। लेकिन वही तो चुप हो रहे ना, आज अंदर फंड दिया गया है, उसमें एक समय सीमा होती है ना कोई भी काम की, अगर उसको प्रशासन मना रहे तो समय सीमा होती है, समय सीमा कुछ तो वो होता है। एक नाट्य को बनाने में अगर 10 साल लग रहा है तो जो फ्लाईओवर बनने वाले हैं, जो वो बनने वाले, वो कब बनेंगे? भले जो महानगर पालिका नहीं है, लेकिन महानगर पालिका ने उसे MMRDA को दिया है, MMRDA से उसे मंजूरी मिली है, शासन ने उसको मंजूरी दी है। वो आज 5 ब्रिज है, आज देखिए यहाँ के इतने बुरे हालात है कि 2-2 घंटा खाली इससे वेस्ट जाने में लग रहा है। आज 5 फ्लाईओवर बनने और इतना बड़ा पेपर में पेपरबाजी की जा रही है, खबर बताई जा रहा है कि 5 फ्लाईओवर बनने अपना ये बनने वाले हैं, रेलवे फ्लाईओवर बनने वाले, उसमें 4 नए बनने वाले, 1 रिपेयरिंग है, 5 है। जिस पर भी आपको एक बड़ा खुलासा आपको बताता हूँ, महानगर पालिका रेलवे से पोजिशन लेके MMRDA को देगा, महानगर पालिका ने इस पर अभी कुछ भी नहीं किया। इस पर आपको बताओ, कोई भी जो शासन से जो भी काम होता है, शासन से केंद्र शासन से कोई भी जो योजना होती है, उसका जो काम होता है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में महानगर पालिका और अपने MMRDA ये शासन, यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक कमेटी होती है जो इसको पूरा कोऑर्डिनेट करती है। ऐसी कोई कमेटी नहीं है, ना इसके में कोई कोऑर्डिनेट होता है, काम की रखापट्टी की होती है, काम की रखापट्टी इसलिए होती है, कोई पूछता नहीं है। आज अगर आप बोलोगे कि भाई इतने इतने विकास काम है, तो विकास काम क्यों नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर तो यह सवाल उठता है ना कि भाई क्या आमदार अधिकारी आमदार की बात है, अधिकारी नहीं सुन रहे, या कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल नहीं है। आज अगर यहाँ पे जो हालात है तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। आज यहाँ पे नागरिक मूलभूत सुविधाओं का वो कर रहे हैं, आज यहाँ पर विकास काम की बात की जा रही है, क्लस्टर अपना इसकी बात की जा रही है, रिंग रोड और रोड की बात की जा रही है, आज वो तो बहुत दूर की बात है।
पहले यहाँ पर जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो चीज नहीं है, रोड सही नहीं है, रोड के लिए आप बोलते रहो चिल्लाते रहो, आप रोड नहीं बना के दिए थे। आपका कहना ऐसा है कि सत्ताधारी कोशी के चलन मत से महापालिका प्रशासन अपनी मनमानी चला दी। तो यहाँ पर यही है, दूसरी बात ये भी चीज है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्ताधारी का प्रशासन नहीं सुन रहा है। यहाँ पर ये भी सवाल बड़ा उठ रहा है कि भाई जब अगर आज जनसुनवाई ली जा रही है, जनसुनवाई के बाद भी जब वहाँ पर अंदर कुछ बात बोलता तो अंदर के बोलने के बाद भी वहाँ पर अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल नहीं है और उसके ऊपर वो नहीं कर रहे। तो आज ये बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर जिन चीजों पर बात होना चाहिए उसको बात वो नहीं हो रही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी के आप मीडिया प्रमुख और काफी मुखरता से भी बात है, लेकिन हम आपके जिलाध्यक्ष से सुनना चाहेंगे, जिलाध्यक्ष की क्या विचार है? राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही बरेचसे आंदोलन केली, परंतु जो प्रतिसाद पाहिजे द्यायला हे महानगरपालिका आतापर्यंत देत नाही आहे, ती वेगळ्याच पद्धतीने काम करत आहे। आज आज आम्ही त्या दिवशी म्हणजे असं कमेंट आम्ही आता जुचंद्रमध्ये चंडिका मंदिर आहे त्या मंदिरावर आम्ही नाट्यगृह तयार केलेलं आहे, अवघ्या त्याच्यात 30 ते 35 लाखाचा खर्च झालेला आहे आणि इतकं चांगलं नाट्यगृह तिथे तयार झालेलं आहे की महापालिकेचे सर्व कार्यकर्ते आणि अभियंत्याला आपण सर्वांना सांगतो की तुम्ही आमच्या जुचंद्रमध्ये या आणि तिथे बघा कसं नाट्यगृह आहे। नशेल तुम्हाला जर बघायचं तर तुम्ही नाट्यगृह करायचं आहे ना तर तुम्ही जिथे बॉम्बेमध्ये नाट्यगृह आहेत मोठमोठी तिथे जाऊन तुम्ही तिथे तिथला मॅप घ्या, तिथली चांगल्या पद्धतीने कसं असं नाट्यगृह सांगितल्यानंतर दोन्ही बाजूला भिंत लावली एका बाजूला पत्र टाकले आणि नाट्यगृह केला असं नाही। आपने जो किया है वो कितने साल से कर रहा है? एक साल भी नहीं लगा है और वो चंदा लेके हम लोगों ने चंदा 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 करके पैसा पैसा जमा करके दिया है। पहले का होगा उनका सब रेट बढ़ जाता है, कंक्रीट का, स्टील का और इसका सीमेंट का, खेती का, सबका रेट बढ़ता है तो उससे उसके अमाउंट भी बढ़ जाते हैं। वो तो बराबर है मगर हर साल में कितना पहले टेंडर क्या था और कितने में तैयार हुआ, कितना ये है मुद्दा ये है। खाने के लिए चाहिए कि नहीं? जो अधिकारी वर्ग है उनको खाने के लिए कौन देगा? पैसा कहाँ से निकलेगा? काम दिखाओगे तो खाओगे ना। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। डिग्री में क्या क्या बनता है कि 10 साल लगता है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसमें जो हो रहा है। एक मैं ना और आपको एक करना चाहूंगा खुलासा। देखिये आपको अगर याद होगा कि 2017 महिला महापौर ने भूमि पूजन किया था उसे महानगर पालिका मुख्यालय का, यहाँ पे बताया गया था वो रिजर्वेशन बताया गया था कि रिजर्वेशन है 6 एकड़, टोटल 10 एकड़ जमीन बताई गई थी जिसमें 2 एकड़ जो है सेमेट्री जोन था, कब्रस्तान की जगह थी, 2 एकड़ जो है वो आपका इसका महारा का था और उसमें 6 एकड़ महानगर पालिका मुख्यालय। मुख्यालय आज तक नहीं बना, प्रवीणा ताई ठाकुर ने जहां पर भूमि पूजन किया था वो फलक गायब है, वहां पर आज तक बाउंड्री नहीं है, वहां पर आज तक फलक नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। ये महानगर पालिका का मुख्यालय 2018 की डायरी में है, 17 में भूमि पूजन हुआ था, मुख्यालय आज तक अस्तित्व में नहीं आया, वो खाली डायरी में सीमित होकर रही है। एक ये चीज आप देख रहे हैं, मुख्यालय आज तक नहीं बना, जो बना है प्रकाश की इमारत वो डेपो है। और महानगर और दूसरी चीज बड़ा खुलासा ये चीज मालूम है कि जो उद्घाटन जो भूमि पूजन किया गया था वो जगह रिजर्वेशन मुख्यालय की नहीं थी, ये सबसे बड़ा खुलासा है। कहने का मतलब है कि जो प्रथम महिला महापौर है उनको अधिकारियों ने दिशाभूल किया, उनको गुमराह किया, उनसे कहीं भी उन्होंने भूमि पूजन करवा दिया, वो रिजर्वेशन था ही नहीं, ऐसी जानकारी मालूम। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है। दूसरा ये देखिए, ये बोलिंग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2017 में इसका भी उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन किया गया था। भूमि पूजन होने के बाद उस टाइम पे भी एक मुद्दा यह भी उठा था कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हो तो उसमें प्रोटोकॉल के साथ सबको बुलाया जाना चाहिए। पत्रकारों ने मुद्दे को उठाया, उसके बाद पालक मंत्री और जो थे सारे लोगों को बुलाया गया था, आमदार खासदार सब लोग बुलाया गया था। उस समय इसका भी अपना उद्घाटन अपना भूमि पूजन किया गया था और एक मुख्यालय का था। इसका भूमि पूजन होने के बाद ये इसका अभी तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 30 से 35% का काम बता रहे काम हुआ है। तो ये यहाँ पे दुहाई दी जाती है, विकास काम ये है 2018 की डायरी महानगर पालिका मुख्यालय जो आज तक नहीं बन पाया, अब वो जगह पे ना बाउंड्री नहीं कुछ नहीं है, वो खाली डायरी में उसको सीमित करके रख दिया जिसका 350 करोड़ रुपए बजट बताया गया था।
ये आलिशान इमारत थी जिसमें प्रेस क्लब वगैरह सब कुछ दिया जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बन पाया। और तीसरा ये मोलिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो ये आज तक नहीं बन पाया, ये इसका काम चल रहा है। तो ये यहाँ के विकास काम की ये सच्चाई है। और जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, अभी रेलवे जो यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक परमिशन लेके नहीं दिया। ये हाल है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।